सीवान के महाराजगंज से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कार्यक्रम होना था, लेकिन उनके आने के पहले ही जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि यहां पर तमाम वो लोगों का नाम है, लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं हेम नारायण शाह जो जेडीयू से आते हैं उनका नाम नहीं है, जिसको लेकर के विधायक के जो समर्थक थे वो बिल्कुल आक्रोशित हो उठे और जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। तो आपको हम एक बार फिर से बताते चले कि महाराजगंज में जीएनएम एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान सह छात्रावास भवन का लोकार्पण होना था, और जिसको लेकर के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आने का कार्यक्रम था, और आने के पहले ही जैसे ही विधायक और उनके कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे कार्यक्रम स्थल पर, तो उन्होंने देखा कि सामने जो मंच पे बैनर लगे हुए थे उसमें सांसद दरौंदा विधायक और तमाम वह महाराजगंज के सांसद का भी नाम था, लेकिन स्थानीय जो विधायक हैं हेम नारायण शाह उनका नाम नहीं था, और इसको लेकर के विधायक के समर्थक और जेडीयू के नेता आक्रोशित हो गए और वहां पर बवाल मचाना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि आखिरकार किसके इशारे पर विधायक हेम नारायण शाह का नाम नहीं दिया गया। अगर प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल के तहत वहां पर विधायक का भी नाम होना चाहिए था, क्योंकि सिवान की सांसद कविता सिंह का नाम था, दरौंदा के विधायक ब्यास सिंह का नाम था, और फिर महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रवाल का भी नाम था। तो क्या कारण है कि विधायक हेम नारायण शाह का इस पोस्टर पर नाम नहीं था? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक राजनीतिक साजिश के तहत इनके नाम को वहां पर नहीं रखा गया था। तो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं विधायक के समर्थक जो हैं वो इसका खामियाजा इस जो लोग इस तरह का कारनामा किए हैं उन तक और देने का काम करेंगे। तो आपको एक बार फिर से हम बताते चले कि इसको लेकर के काफ़ी देर तक विधायक के समर्थकों के द्वारा हंगामा किया गया, और थोड़ी देर के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जब पहुंचे तो वहां पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो बिल्कुल आपको एक बार फिर से बताते चले कि जिस तरह से पोस्टर पर विधायक हेम नारायण शाह का नाम नहीं था, उससे ऐसा लग रहा है कि महाराजगंज में जेडीयू और बीजेपी बिल्कुल वहां पर अंदरूनी कलह चल रहा है, जिसको लेकर के इस तरह के साजिश के तहत विधायक का नाम नहीं दिया गया, जिसको लेकर के विधायक के समर्थकों में काफी आक्रोश देखने को मिला। महाराजगंज से कैलाश कश्यप के साथ नजरे आलम और आशीष कुमार की रिपोर्ट। क्या मामला है? अरे यहाँ महाराजगंज की जनता, महाराजगंज जिसको सरकार नहीं है, एनडीए का सरकार है, हमारे यहाँ माननीय विधायक है, और हमारे माननीय विधायक है और उनका नाम छूट गया। किसकी चूक मानते हैं, क्या चाहते हैं? चाहते हैं को दूसरा लगाया जाए, अभी फ्लेक्स दूसरा बनवाया जाए प्रबंधक से। एनडीए में एनडीए की है, स्थानीय विधायक हेम नारायण प्रसाद है, उनका नाम नहीं है, प्रबंधक छूट गया नाम। एनडीए की है, स्वास्थ्य विभाग जानता नहीं है, बिहार में इतना विधायक है, सब लोग का नाम स्वास्थ्य विभाग के पास पड़ा हुआ है, ये तो देखा था कि हो रहा है। महाराजगंज का स्थानीय विधायक का तो होना चाहिए, क्षेत्र में हो रहा है, और महाराजगंज का विधायक का नाम नहीं है, दुर्भाग्य की बात है।